के गठन के आदेश और फिर सरकार के इनकार के बाद सियासत भी अब गर्मा गई है। भाजपा ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि इसमें सरकार की सहमति है या नहीं। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने आशीष तिवारी ने पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त से खास बातचीत की। क्या कुछ मूढ़त ने कहा सुनाते हैं आपको। अभी में 7 नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया, लेकिन सरकार के आला अधिकारियों ने कुछ वक्त बाद इस आदेश को पलट दिया और ये दलील दी कि जिस अधिकारी ने यह आदेश जारी किया उसने विभागीय अनुमति नहीं ली। बीजेपी का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर, हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त जी मौजूद हैं। आदेश देखा आपने और सरकार ने आदेश को पलटा भी, ये भी आपने देखा, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस पूरे मामले को आप देखते हैं और समझते हैं? देखिए, सामान्यतः जिला गठन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सामान्य रूप से कोई छोटा मोटा बाबू या कोई नीचे स्तर का अधिकारी इसका आदेश जारी करने का हकदार भी नहीं है। जिला गठन करने की एक प्रक्रिया, उसकी एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक फाइलिंग चलती है। सामान्य प्रशासन विभाग से फाइल गुजरने के बाद में उसका एक आदेश का प्रकाशन अगर हुआ, जिस आदेश में कहीं ना कहीं जाके चीफ सेक्रेटरी का भी हस्ताक्षर होगा, तब जाकर के वहां पर उप सचिव स्तर का एक अधिकारी उसका आदेश निकालता है। अगर उसने गलत निकाला, कार्रवाई करो उसके खिलाफ में, क्या उसने नियमों के विपरीत जाकर के बिना उसके। लेकिन अगर कहीं सरकार की सहमति थी और जब सरकार की सहमति होने के बाद में इस प्रकार का आदेश निकालना और आदेश वापस लेना, ये सरकार की विफलता से आगे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जिस प्रकार से सरकार की सोच है, अगर वो जिला गठन करे उसकी प्रक्रिया पीछे क्यों हटना, अगर करना चाहे पीछे क्यों हटना। और एक तरफ सरकार सफाई दे रही है तो इस प्रकार से शासन के ऊपर अधिकारियों पर सरकार की पकड़ नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त, और जिस तरीके से 7 नए जिलों के गठन को लेकर आदेश जारी हुआ और आदेश को पलटा गया, इसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। और ये आरोप मुख्यमंत्री पर भी लग रहा है, भूपेश सरकार पर लग रहा है कि अधिकारियों पर जो पकड़ होनी चाहिए सरकार की, वो नजरअंदाज है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी।